हे गाइस वेलकम टू लॉकी टेक। और अपनी आज के सम वीडियो में दोबारा वही डाटा एंट्री के जोन से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेमो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पे एक बात करेंगे। तो इसमें मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, एक डेमो प्रोजेक्ट आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये वाला प्रोजेक्ट जोन से कुछ दिन पहले मैंने ये वाला प्रोजेक्ट जोन से था वो सबमिट करवाया था। तो ये वाले मैं इसके फर्स्ट वन जो ऐसा प्रोजेक्ट है ये हम प्रोजेक्ट में ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिएगा ऐसा ही प्रोजेक्ट सेम एज ए एक प्रोजेक्ट जो था वो मुझे मिला था। तो जिसमें क्लाइंट ने क्या कहा था हम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, एक प्रोजेक्ट के अंदर जो होती है वो मल्टीपल जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है। आप प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपने क्लाइंट की आपने वो सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट इसे देखते हैं। तो क्लाइंट ने कहा कि उसने मुझे एक वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट दी हुई है। तो कि आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंड बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 20 रेस्टोरेंट। तो आपने यहाँ से 20 जो रेस्टोरेंट हैं वो आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो 20 रेस्टोरेंट ये फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है, मीटिंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है, फॉर गुड्स आर मीटिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। सेकेंड वो ये कह रहा है कि वो मीटिंग्स के लिए हो रेस्टोरेंट, पहले यह कि हमने 20 रेस्टोरेंट ढूंढने हैं। सेकेंड नंबर पे वो रेस्टोरेंट मीटिंग्स के लिए सूटेबल हो। एंड थर्ड नंबर वो जो उनसे वो न्यूयॉर्क सिटी में हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी चाहिए। वो कह रहा है वी नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फील्ड इन एन एक्सेल फाइल और इन अ गूगल सेपरेट शीट, ठीक है। तो वो कह रहा है गूगल सेपरेट शीट या आप एक्सेल फाइल में आपने मुझे ये शीट जो है ना या इसका आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो उसमें क्या हो कि सबसे पहले रेस्टोरेंट का नेम हो मेंशन, ये कौन सा रेस्टोरेंट है, दूसरे नंबर पे वेबसाइट मेंशन हो कि ये कौन से यानी कि उनकी वेबसाइट कहाँ पर है, और उसके बाद उसका एड्रेस हो, उनका फ़ोन नंबर और उनके ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो हाउ मैनी रिव्यूज़ आई हैव, यानी कि कितने लोगों ने उसे रिव्यू दिया है, उसके ऑनलाइन सर्विस कितने लोगों ने यूज़ की हुई है, ठीक है। तो हमने 20 जो उनसे होटल है बेस्ट उनका हमें रिकॉर्ड देना। तो ये एक डेमो एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो सा ये डेमो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको लाइव जाके भी हमें प्रोजेक्ट दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो से वो आपने कॉपी पेस्ट वाले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ये देखा आपने यूके कंपनीज के 2500 जो अभी 2500 रिकॉर्ड है वो आपने फ़ोन नंबर वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि तो ये अपवर्क पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। तो ये जो सा पूरी एक्सेल की वो शीट बना ली है, तो जिसमें मैंने क्या किया ये इनके कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये देखें मैंने ये पहले से कॉलम बनाए रेस्टोरेंट का जिसमें नेम है, वेबसाइट है, और ये पहली एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पर पुट की हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे आपकी दूसरी एंट्री जो है वो पुट करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं अपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे हम ये जो सा वेबसाइट का लिंक है इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास ऐसे जो सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लाइंट ने हमें कहा हुआ है कि आपने जो है वो रेस्टोरेंट्स देखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद वो आपसे लोकेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो लोकेशन उन क्लाइंट ने जो हमें बताई वो न्यूयॉर्क सिटी बताई हुई। तो आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि उसने न्यूयॉर्क सिटी बताई हुई है, न्यूयॉर्क या कोई और पार्ट बताया हुआ है। तो आपने जो उनसे लोकेशन है वो आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपने वो डॉक्यूमेंट पर यह चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो उनसे हमें लोकेशन बताइए वो बताइए न्यूयॉर्क सिटी। तो हमें तो यहाँ पर जो उनसे हमें लोकेशन बताइए तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो उनका क्लाइंट है उसने हमें क्या बताया वो चीज़ देख लेते हैं। वो कहता है रेस्टोरेंट तो आपने देने हैं लेकिन कौन से देने हैं, गुड फॉर मीटिंग्स, जो कि मीटिंग्स के लिए गुड हों, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे फिल्टर रिज़ल्ट में चलते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो उनसे लेफ्ट साइड पे फिल्टर रिज़ल्ट नज़र आ रहे होंगे, ये रेस्टोरेंट के फीचर कौन से आपने यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़े से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने बुकिंग करवानी ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन बुकिंग का उसने नहीं कहा बनी तो हम इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फॉर, ठीक है। तो आपने जो उनसे रेस्टोरेंट आपको चाहिए वो किसके लिए चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, आपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना है या बच्चों के लिए, ठीक है, या कोई बार सीन या कोई ऐसा लार्ज ग्रुप आपने गैदरिंग करनी है उसके लिए। यहाँ पे मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र ऑप्शन आ रहा होगा बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मीटिंग्स के लिए कहा हुआ तो हम ये मीटिंग्स वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
तो ये रिजल्ट आपके पास अब देखेंगे कि आप यहाँ पे आपके पास रेस्टोरेंट्स के वो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ जाएगी जो कि रेस्टोरेंट्स मीटिंग के लिए आपके पास सूटेबल हैं। ठीक है, तो उसने क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ कि आपने जो इसमें से 20 ऐसे होटल जिसके रिव्यू सबसे ज़्यादा है एंड बेस्ट फॉर वैल्यू है, ठीक है, आपने मुझे वो वाले हॉस्टल की रेस्टोरेंट्स है वो मुझे आपने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जिस होटल के सबसे ज़्यादा रिव्यू हैं तो उस हॉस्टल को मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वाला जैसा कि आप होटल देख लेते हैं, इसे हम रिव्यूज़ देख रहे हैं कितने ज़्यादा, यहाँ पे इसके 6,624 रिव्यू हैं इस होटल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस होटल को यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये एक न्यू विंडो में आपके पास ये होटल जो है ये ओपन हो जाए। तो ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने जो ये होटल है इसका नाम जो वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। नाम कॉपी कर लिया होटल का या नेम को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एंड सेकेंड जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारे पास वेबसाइट की। तो हम चलते हैं इस पेज पर तो यहाँ पर देख स्क्रॉल डाउन करके हम इसकी इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो जैसा आपको देख रेस्टोरेंट्स आएंगे जिनके जो है वो इस पेज पर आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आप होटल का नाम जो हमने कॉपी किया हुआ था, ठीक है, आपने इस नेम कॉपी करने के बाद हमने एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपने इसका नाम पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करके हम इसे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये होटल जो है वही होटल जो हमने यहाँ पर सर्च किया था, हमें इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही थी तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट मिल गई। तो आपने ये वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो जैसे वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपनी एक्सेल शीट पे से कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वह सेकंड एंट्री होगी। अब हमारे पास हमने बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री हमारे पास है एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने पेज खोला हुआ है तो ये नीचे इनका जो है ये एड्रेस आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो ये इनका यहाँ पर एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पर आपको इनका जो फ़ोन नंबर है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ़ोन नंबर को। फोन में कॉपी करने के बाद इसे भी हम अपने एक्सेल शीट पर करते हैं पेस्ट एंड उसके बाद है ईमेल। तो देखते हैं इनका ईमेल कहाँ पे है। तो हम इनके जाएंगे वेबसाइट पे। तो ये वाली इनकी वेबसाइट है तो इनकी वेबसाइट पे देखेंगे कि इनका मेल कहाँ पे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जितनी भी ज़्यादातर वेबसाइट होती है ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट्स हैं उनका जो उनसे हेडर है उनके बॉटम में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उनका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ फोल्ड, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे तो कॉन्टैक्ट अस पेज है यहाँ पे भी आपको ईमेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो मेल है वो हमें यह वेबसाइट पे यहाँ पे मिल गया। तो ये इनका जो है वो ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद ईमेल एड्रेस को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं इसको रिव्यूज़ कितने मिले थे। ठीक है, तो ये इसे यहाँ पर ये रिव्यू मिले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रिव्यूज़ को कॉपी कर लेना है। ये है हम पेस्ट। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप यहाँ पे जो सा मेरा सेकंड कॉलम है आप यहाँ फ़ोन नंबर की जगह हैश एरर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एरर क्यों आ रहा है इसको आपने इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ कॉलम में तो आप देखेंगे मैंने फ़ोन नंबर के पहले इक्वल लगाया हुआ है। अक्सर फ़ोन नंबर से पहले जो सा वो प्लस की सैम्बल होती है। ठीक है, आपने प्लस एंड इक्वल वाली यह साइन कुछ भी नहीं लगाना, आपने जस्ट जो सा नुमेरिक फॉर्मेट में आपके पास फ़ोन नंबर होगा आपने जस्ट वो लिखना। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वल वाला साइन हटा देता हूँ तो आप भी देखेंगे तो अब ये एड्रेस जो है मेरे पास चला जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड एंट्री की। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और कौन सी यहाँ पे एंट्री है जिसके जो है वो काफ़ी हज़ार के अंदर अंदर रिव्यू है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट है इसके तकरीबन यहाँ पे 3332 यहाँ पे आपके पास रिव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं और बाकी टैब्स को यहाँ पे कर देते हैं बंद। तो ये आप देखेंगे कि ये वाली जो है इसका हम यहाँ से फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने नेम लेना है तो यहाँ से हम कर लेंगे नेम कॉपी। यहाँ पे इसका कर देते हैं नेम, यहाँ पे नेम को कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए हमने क्या करना है तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर यह वेबसाइट जो है आप यहाँ से इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो मैंने किया था यहाँ पर यह वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप विजिट करेंगे वेबसाइट पे और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का यूआरएल है इसे हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी और करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे यहाँ पे पेस्ट। तो वेबसाइट के बाद आगे नेक्स्ट चीज़ हमें जो चाहिए वो है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, यही इस होटल का ये देखें आप यहाँ पे आपको नीचे ये वाला एड्रेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एड्रेस को कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के बाद इसे भी करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे यहाँ पे पेस्ट।
तो पेस्ट करने के बाद आगे जो उनसे हम बात करते हैं फ़ोन नंबर के बारे में, तो इनका फ़ोन नंबर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इनका ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो इनके फ़ोन नंबर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो नंबर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ आपने सीखी होगी, मैं वो गलती कर रहा हूँ, आपने वो गलती नोट की है या नहीं की, शायद आपने वो गलती नोट कर ली होगी। तो यहाँ पे अगर मैं अगली एंट्री में आता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पीछे वाली एंट्री मुझे एरर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको समझ लग गई होगी कि जो उनसे एरर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नंबर से पहले इक्वल वाला साइन है वो आ रहा है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो ये एरर वाला साइन जो उनसे वो चला जाएगा। और उसके बाद क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, इनका मेल चाहिए। तो इसी पहले पेज पर देखते हैं क्या इनका ईमेल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है या नहीं, तो इसे यहाँ से एड्रेस नहीं मिला। तो हम इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और उनकी वेबसाइट पे हम पहले जो कहेंगे अबाउट अस पेज होगा या कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, यहाँ पे आपका मेल देख पे हमें ये जो उनका मेल है ये यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे इसके मेल को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे मेल वाली एंट्री को पेस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रिव्यूज़ की बात, इसको इस को कितने रिव्यू मिले हैं, ठीक है, 333332, ठीक है, 333 यहाँ पे इसको रिव्यू मिले हुए हैं, तो ये वाले हम इसको रिव्यू एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको रैंडम जो उनसे एंट्री मैंने की है, सबसे पहले आपको जो उनसे हायर एंट्री होगी आपने उसको ऊपर रखना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे नीचे आना, ठीक है, आपने एक तरतीब से जो उनसे वो ये बना के देनी है। तो सिमिलर मैंने आपके सामने ये जो उनसे एंट्री ये आपके पास सामने दो मैंने एंट्री पुट की है, तो मैंने 20 एंट्री करनी है। ये जो उनसे मुझे प्रोजेक्ट मिला था ये तकरीबन $10 का था, ठीक है, तो मैंने ये वाली एंट्रीज जो उनसे थी वो आप बतानी थी, तो ये मैंने आपके सामने दो किए, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल मैं फ्री बैठा हुआ था, तो मुझे ये बचाने की मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, तो और मैंने इसको जाने के 10 से 15 मिनट मुझे लगी हैं सारा कॉपी पेस्ट काम करने वाला, पीछे एक सॉन्ग लगाया हुआ था और ईजिली जितना भी ये काम ही है सारा कॉपी पेस्ट काम करने वाला, पीछे एक सॉन्ग लगाया हुआ था और ईजिली जितना भी ये काम है ये हो गया। तो समझ आपको आ गई होगी कि आप ये काम कर सकते हैं, ये वाला काम जो है सब इतना